थक 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 रात भर आवाज, इतनी आवाज जैसे हथौड़े पड़ रहे हो। थैंक यू। हाँ चीनी ठीक है ना? जी हाँ, बस आता ही होगा, बाथरूम में जरा ज्यादा टाइम लेता है। सुनिए आप सुधीर को कुछ मत कहिए, अच्छा? और मेरा एक काम कीजिए, बाहर जाते वक्त ऊपर वालों से कह दीजिए इतनी आवाज ना करे, मैं सो नहीं सकती। ये नए किराएदार है ना? जी चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने। आप बिना नजर के और इस हालत में भी इतना कुछ कर लेती हैं, काबिले तारीफ है। सॉरी। माँ चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। कहाँ थे आप 21 तारीख की रात को? घर पर ही था, गए 15 दिनों से छुट्टी पर हूं मैं। आजकल क्या कर रहे हैं? नौकरी की तलाश और क्या। समीर को जानते हैं आप? जी हाँ, कॉमर्स कॉलेज का दादा। सुना है उसने वर्मा जी को धमकी दी थी? उस वक्त मैं वहां था। क्या कहा था उसने? मिस्टर वर्मा, अगर आपने डोनेशन लेना बंद नहीं किया तो मैं आपका गला घोट दूंगा। उसके बाद समीर के फादर को वर्मा जी ने पुनः ट्रांसफर करवा दिया। जी हाँ। माफ कीजिएगा, ये सब फॉर्मेलिटीज तो हमें करना ही पड़ती हैं। नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी। ये घुंघरू किसके हैं? मिसेस वर्मा के हैं, उन्होंने दिए थे रिपेयरिंग के लिए। मिसेस वर्मा, क्या टाइम क्या हो रहा होगा आपके पास? 4 बज रहे। 4 बजे मिल जाएंगे इस वक्त अपने घर पर? शायद। थैंक यू। वेलकम। वर्मा, मोहनदास BLLB। रोज की तरह उस दिन भी 10,000 रुपये मांगे और मैंने मना कर दिया। खूब झगड़ा हुआ, सेफ में से आखिरी 10,000 की गड्ढी उठाई और गुस्से से बोले, आज शाम इतना कैश लाऊंगा कि रखने के लिए सेफ छोटा पड़ेगा। और वो शाम कभी आई ही नहीं। रिपोर्ट आपने रात 11 बजे दर्ज करवाई थी? एक्चुअली मैंने सुधीर को फोन किया। सुधीर को? वर्मा जी का PA। घबरा गई थी ना, तो कोई तो अपना होना चाहिए ऐसे वक्त में मदद करने के लिए। जी, मतलब रात को अकेले, तो फिर गाड़ी भी तो वो ले गए थे। गाड़ी कहाँ मिली आपको? प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर, तभी हमने रिपोर्ट लिखवाई। और चाबियां? नहीं थी। वो उस दिन आप कोर्ट में एक सफेद वैन में आई थी, MH02-3295। ये वही गाड़ी थी ना? जी, डुप्लीकेट चाबियां बनवानी पड़ी। वर्मा जी की जायदाद किसे मिलेगी? मुझे।
दीदी पान। पान। शुक्रिया। मैं इस लाल गुलाब और उस टीके के जो कभी कभार मेरी बीवी मेरी पेशानी पर लगाती हैं, हर उस चीज से परहेज करता हूं जो सुर्ख या लाल रंग छोड़ती है, मिसाल के तौर पे खून। थैंक यू। कपड़ों के साथ कुछ पैसे भी मिले थे क्या? नहीं सर। ये 10,000 रुपए आपने वर्मा जी को मारने से पहले उनकी जेब से निकाले थे या बाद में? मैंने वर्मा को नहीं मारा। ये मैंने मेज पर से चुराए थे। हेलो मिश्रा हियर। क्या तुम एम्बुलेंस बुलाओ, मैं अभी आता हूँ। सर एक लड़का दो माले से गिर गया है, मैं हॉस्टल जाकर आता हूँ। सर एक लड़का दो माले से गिर गया है, मैं हॉस्टल जाकर आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। जब मैं वापस आया तो ऑफिस का दरवाजा खुला था, ना वर्मा जी थे ना उनकी गाड़ी और ना ही पैसे। आपका ब्रांड इनके ऑफिस से हॉस्टल तक कितना वक्त लगता है? पैदल? पैदल ही गए थे ना? जी हाँ। 20 मिनट जाने में 20 मिनट आने में सर। फोन कहाँ से आया? हॉस्टल से। छुट्टियों में तो हॉस्टल बंद रहता है ना मिशेल? देर बाद में फिर से वापस आया। क्यों? मिसेस वर्मा ने फोन किया था, आई कि नहीं? मैं गया ऑफिस।
वर्मा जी नहीं थे। समीर ने मेरे सामने वर्मा जी को धमकी दी थी, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। इनका घर समीर के घर से कितनी दूर है जरा? दो घर छोड़कर। अगर इन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलता तो प्रिंसिपल कौन होता? मिस्टर त्रिपाठी, समीर के पिता। कॉलेज से रिटायर होने के बाद कितने पैसे मिलते हैं? कुछ नहीं, गाड़ी के लिए प्रोविडेंट फंड से लोन लिया था। अध्यापकों की बहुत इज्जत करता हूं मिश्रा जी, लेकिन मुजरिमों के लिए मेरी नफरत इतनी शदीद है कि बाकी सब जज्बात उसमें गुरूब हो जाते हैं। एग्जिबिट नंबर 3 के मुताबिक जिस बेड में मिस्टर वर्मा की लाश मिली, उस बेड की बोरी का कपड़ा हरे रंग की रस्सी से सिया गया था। मगर मिस्टर समीर ने बंबई में उस बेड को जिस रंग की रस्सी से सिया था वो लाल रंग की थी। मैंने चले। जी गाड़ी लेफ्ट में उतार लो, अपना ही ढाबा है, दारू वारू पियेंगे, रोटी वोटी खाएंगे, सुबह चलेंगे पूना। फिर पी खा के मैं सो गया जी, तो ढाबा जलता देख मैं डर गया जी, गाड़ी निकाली और सीधा पूना निकल गया। झाड़ियों के पीछे कोई छुपा है, मैं जैसे राख टटोलने पहुंचूं नजर मेरी तरफ होगी, मुड़ूं तब
ये तो क्लीनर की बेबी गुलाबो है। इसी ने साहब, इसी ने उस रात दारू पिलाई थी और खाना खिलाया था। हाँ साहब। तुम अपने पति को ढूंढ रही हो। ये हाथ उसके जिस्म की राख से काले हैं। मदद करोगी हमारी तो पकड़ लेंगे हम उसके कातिल को। उसे उसी ढाबे के साथ जलाकर राख कर दिया गया। आपके पति के फूल चुनने में हम आपकी मदद तो ज़रूर करेंगे। वैसे आप बता सकती हैं कि किसने जलाया हो सकता है उन्हें? कहता था समझी, ट्रक पे चढ़ा देंगे एक पलंग, एक उतार लेंगे, पूरे 30,000 मिलेंगे मजूरी के। बच्चा तो देना सका, मैंने सोचा पैसे ही सही, मर गया। अब इन पैसों का क्या करूंगी मैं? उसी डैन को दे दो, उसी डैन को। ये पैसे कहां से आए उसके पास? उसी चुड़ैल ने दिए थे। कभी कभी कहता था तेरी सौत ले आऊंगा और फिर हंसता था। आपने देखा उसे? नहीं, पर उसी की गाड़ी लेकर आया था, उसमें पलंग रखकर। कौन सी तारीख की बात है? 20 की बात होगी। किस रंग की गाड़ी थी? नीली। नंबर? याद नहीं मुझे। फिर उसके बाद वो गाड़ी कहाँ गई? मुझे तो मालूम नहीं, मुझे गांव भेज दिया था उसी रात। आइए साहब।
हेलो 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 कौन था? कोई नहीं। बहुत शोर मचाते हैं ऊपर नए किराएदार, आपकी माँ कहती हैं, लेकिन ऊपर तो कोई रहता नहीं। हाँ, मैं था कल रात वहां ऊपर। कहाँ थे आप? वहीं जहां आप थे, प्रिंसिपल के कमरे में लाश के साथ, जब समीर प्रिंसिपल के कमरे में गया था तो बाथरूम में। बाथरूम में मैं था जरूर, मगर कत्ल मैंने नहीं किया, कत्ल होते हुए देखा है। किसने किया कत्ल? प्रिंसिपल ने। कैसे हुआ कत्ल? पॉलिथीन बैग से गला घोट कर। ये खिलौने आप खुद बनाते हैं? जी हाँ, गुजारा चलाने के लिए। लेकिन आपके घर पे कोई औजार तो है नहीं? मिले नहीं हमें। हाँ, वहां मिले ढाबे पर जले हुए औजार, ये, और उनके साथ एक घुंघरू भी मिला, ठीक वैसे ही जैसे घुंघरू हमने आपकी गाड़ी में देखे थे। ऐसे तो बहुत से घुंघरू टूटे होंगे प्रिंसिपल की कार में। क्यों? टाका है प्रिंसिपल का वर्मा जी की बीवी के साथ। सफेद गाड़ी है ना प्रिंसिपल के पास? जी नहीं, नीली वैन। कत्ल कैसे हुआ? मैंने खुद देखा, पॉलिथीन बैग से मारा उसको, उतने में कोई आया, प्रिंसिपल लाश के साथ गाड़ी में छुप गया। आने वाला समीर था, समीर के जाते ही प्रिंसिपल पैसे और कार लेकर भाग गया। ये प्रिंसिपल का ऑफिस और ये प्रिंसिपल का घर, ये ढाबा, ये समीर का घर और ये पीए का घर।
अगर प्रिंसिपल लाश यहाँ से ला के वर्मा की ही गाड़ी में चढ़ाता है और उसे लेके अपने घर जाता है और वहाँ जो नया बेड उसने बनाया है उस बेड में लाश को डाल के उस बेड को अपनी नीली वैन पे रखता है और फिर ढाबे के पास जाता है, ये सही नहीं? अगर प्रिंसिपल नीली वैन लेकर उस तरफ गया तो फिर आप और मिसेस वर्मा यहाँ उसे ऑफिस पे कैसे मिल सकते हैं? जरूर किसी और की मदद ली होगी सर। किसकी? किसकी? हो मतलब ढाबे वाला और जिस ट्रक में समीर का सामान जा रहा था उसका क्लीनर, ये दोनों आदमी एक ही हैं, उसी की मदद ली होगी, इसीलिए उस पुराने बेड के साथ साथ क्लीनर को भी जला कर राख कर दिया गया ताकि कोई सबूत न बचे। मगर आपको कैसे पता चला उसने पुराना बेड जला दिया? ये बोरी का टुकड़ा देख रहे हैं आप, इसके ऊपर लाल रंग का धागा है, वही धागा जिससे समीर ने अपने घर पे बेड को सिया था, लेकिन पूना पहुंचकर जब उसने बेड खोला तो वो बेड हरे धागे से सिया हुआ था। यही मुजरिम की सबसे बड़ी गलती थी। नहीं जारा? Yes, sir. जब आप प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे तो वहां आपने किसी और को देखा? नहीं, वर्मा जी के अलावा तो कोई नहीं था वहां। उन्होंने बताया कि हॉस्टल से फोन आया था, प्रिंसिपल वहीं गए। ये सब आपने कोर्ट में क्यों नहीं बताया? झूठे इल्जाम में समीर को क्यों फंसने दिया? वैसे ही पुलिस मुझे फंसा लेती तो मैं पहले से परेशान हूँ इस घर को लेकर। हाँ हमें मालूम है, अफसोस हुआ सुन के कि आपका ये बड़ा सा पुश्तैनी मकान गिरवी रखा हुआ है वर्मा के पास, लेकिन अब तो आपको कोई डर नहीं। ये सब तो हमें करना ही पड़ता है, आप जानते हैं। ये पैसे हमें ढाबे वाले या क्लीनर की बीवी ने दिए, उसने बताया कि पैसे वर्मा के कातिल ने उसके पति को दिए थे बेड बदलने के लिए। आपका अकाउंट है ना इसी बैंक में? जी हाँ, ट्रस्टी वर्मा के यहाँ काम करने वाले सभी का अकाउंट इसी बैंक में है। लेकिन उन लोगों में से वो लोग जो ये जानते थे कि समीर ने वर्मा को धमकी दी थी और 21 तारीख की रात को समीर का ट्रक सामान लेकर पूना जा रहा था, सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जिनका अकाउंट इस बैंक में है। वो लोग कौन कौन है सिंह? ट्रस्टी, प्रिंसिपल और गोखले सर। ट्रस्टी तो मर गया और बाकी बचे प्रिंसिपल और आप। डीएसक्यू वाले मुझे पकड़ कर लेकर गए थे, ऐसे हालात में हमारा मिलना ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारी शॉल? ये मेरी नहीं, आपकी है। कुमार, इनके घर से प्रिंसिपल के ऑफिस तक कितना वक्त लगता है? 12 मिनट बाय कार सर। 24 तारीख को इनकी घड़ी में अलार्म 4 बजे का था सर। मुजरिम के पैर उल्टे होते हैं गोखले साहब, क्या जरूरत थी आपको चाबियां वापस रखने की, वो भी ये लाल शॉल पहनकर अपने आप को छुपाते हुए? मैं तो प्रिंसिपल के ऑफिस में गया ही नहीं था, और ये ऐसे लाल शॉल तो प्रिंसिपल के पास भी है और मिसेस वर्मा के पास भी है। मैंने तो ये नहीं कहा कि चाबियां कहाँ रखी गई थी। फिर अगर आप प्रिंसिपल के ऑफिस चाबियां रखने गए ही नहीं तो आपको कैसे पता चला? मैंने खुद देखा ना प्रिंसिपल को ऑफिस में कत्ल करते हुए, जाहिर है चाबी वाबी वही रखेगा। सर, प्रिंसिपल ने मिसेस वर्मा को 40 लाख रुपए का एक ड्राफ्ट दिया है और वो लोग 1 घंटे में बैंगलोर के लिए फ्लाइट पकड़ने वाले हैं। कहां से आए उनके पास 40 लाख रुपए? ट्रस्टी को मारने के बाद पैसे तो उसी के पास गए होंगे अगर आपने नहीं मारा है तो। आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? शक करना तो मेरा पेशा है गोखले साहब, मैं खुद तक को नहीं छोड़ता जब तक कि असली मुजरिम सामने ना आ जाए। ये कुशन कल मैं आपकी माँ की व्हीलचेयर पर से ले गया था, हमें शक था कि शायद आपने 40 लाख रुपए इसके अंदर रखे होंगे, कुछ नहीं निकला, सॉरी, अंदर से फट गया है ऊपर से ठीक है। वी आर इन हरी, सम अदर टाइम।
क्या ढूंढ रहे हैं आप? बैग, पैसों वाला लीजिए। आपकी गाड़ी चार दिन पहले तक नीली थी, आपने पेंट की सफेद, लेकिन जल्दबाजी में आप कैरियर उतारना भूल गए। इसका निचला हिस्सा तो नीला निकला और आपने जो पेंट किया था वो ये है, सफेद। कोई शक? अब इनकार मत कीजिएगा, वरना मोहनदास BLLB की बर्दाश्त की हद पर लगी बाढ़ टूट जाएगी। कोई ठोस सबूत तो है नहीं जो जेल हो जाए? यही है ना वो 10,000 रुपए की कट्टी जो आपने ट्रस्टी वर्मा की जेब से निकाली थी? खींच का ये ट्रस्टी वर्मा की जेब से उधड़ा धागा है इसके ऊपर। आपके हिसाब से तो ये प्रिंसिपल के घर पे होनी चाहिए थी, है ना ये सबूत जेल वाला? फांसी तो फिर भी नहीं हो सकती। यही पॉलिथिन का बैग था ना जिससे आपने गला घोट कर मारा था? ये मौत क्या चीज होती है अंदाजा हुआ? अरेस्ट में जारा सर, इसकी मां की देखभाल का इंतजाम कर देना। यस सर। सर आप ठीक तो है? सर आप मुजरिम को देखते ही आपस से बाहर क्यों हो जाते हैं? फिर कभी सर। सब कुछ हो गया? हो गया। दूध पिया? दवा खाई? ब्रश किया? कुछ मीठा नहीं खाया? सुसु सुसु किया? हाँ किया। गुड बॉय, गुड नाइट। गुड नाइट। सुसु सुसु किया? सुसु हाँ सुसु किया था। हाँ किया सुसु। हाय। आपकी दो शर्तें थी, एक कि आज के बाद मैं आपको कभी अंकल नहीं कहूंगी भैया, और दूसरी केस सॉल्व हो जाने के बाद मैं आपको एक आइसक्रीम दूंगी।
Thank you.